आशी हमारे घर में आई थी, कोई ढाणी कोई गांव ऐसा नहीं था जहां पर हमारे किसी बेटे किसी भाई की लाश तिरंगे लिपट के ना आई हो। और वहीं से मेरी इस कविता ने जन्म लिया कि किस प्रकार से उस शहीद ने अपनी शहादत को अंजाम दिया होगा। मैं बिना किसी औपचारिकता के उस कविता के ऊपर आता हूँ और वही बात करता हूँ। देखो, मैं एक बात मन से हमेशा कहता हूँ कि जब भी कोई कलाकार, सच्चा कलाकार आपके सामने आए, वहां पर उसको इतनी तालियां दीजिएगा कि उस कलाकार का हौसला बढ़े। क्योंकि क्योंकि अगर अब ताली नहीं बजाओगे तो अगले जन्म में सड़कों पे तालियां बजाओगे। इसलिए तालियां इतनी बजाओ कि आपका वो कर्म भी उतर जाए, वो बाहर भी उतर जाए और कलाकार का हौसला भी बढ़े। मैं अपनी कविता शराब का प्रारंभ करता हूं सर, कि काले डाणी मरुक्का लाग्या अगर राम पड़ा। जितने मेरे बेटा बेटी यहां पर बैठे हैं, मैं हाथ जोड़ के आपसे प्रार्थना करता हूं, क्योंकि मैंने अपने दिल से लिखी कविता। हर चीज से ध्यान हटा लो, 5 मिनट मेरे को दे दो, मैं दावा करता हूं ये 5 मिनट अगर आप दोगे तो मेरे से बहुत कुछ आप लेकर जाओगे। मैं कुछ नहीं जानता लेकिन मैं दिल से लिखता हूं, इसलिए मुझे पता है मैं आपके दिल के अंदर सीधी दस्तक दूंगा। कि काले डाणी मरुक्का लाग गया अगर राम फल आ गया, राम फल वो मनमोजी मारी डाणी का एक के फौजी, जो साल में बिना 20 दिन की छुट्टी आया करता, सारी डाणी ना खुशियां तो बरजे आया करता। मैं भी उस तो मिलन ना चौकमो बाजा, उड़ जाके मेरा तय का लग गया कि रामपल तो अड्डे पुत्र की पाई आया करता, कि रामपल तो अड्डे पुत्र की पाई आया करता, छोटे छोटे बालका का सर पुचकारा करता, पर आज यो के चाड़ा से दाल में कुछ काला से। इतनी आण में चौक में फौजी गाड़ी आकर रुक गई, इतनी आण में चौक में फौजी गाड़ी आकर रुकी, उसमें तो पहली रामपड़ की पेटी तारी, उस पर झुकी डाणी सारी, फिर उतरिया वो बड्डा बक्सा जो फुल्ला तो सजा रखा था, उससे मताऊ बर्थों का सपना सुआ रखा था। वो सपना जो ताऊ बर्थों ने अपना हाथा तक खींचा था, अरमाना का नक्शा अपना हाथा तक सींचा था, वो सपना जिसमें घर की बैठक खातर बीच में छोटोड़ी डोली थी, जिसमें घर की बैठक खातर बीच में छोटोड़ी डोली थी, वो सपना जिसमें थाली में पेपे पूछ ठारी थी, छोटे छोटे भाइया की पढ़ाई मुबारी थी, वो सपना जो कबड्डी का खिलाड़ी था, यारा का सच्चा याड़ी था, आज वो सपना टूट गया, ताऊ बर्थू का भाग रूठ गया। मेरी कविता यहां से प्रारंभ होती है असली, कि आज वो सपना टूट गया, ताऊ बर्थू का भाग रूठ गया, मारी ताई रामपड़ की माई एक का नी बैठी आंसू न खोवे थी, मारी ताई रामपड़ की माई एक का नहीं बैठी आसवा न खोव थी, सुन्नी देली पर बस फौजी न टोव थी, उसकी सुन्नी आख्या में एक के सवाल था, सवाल उन ते जो घनी दूर सीमा पर लड़े थे, जड़े कई आख्या के सपने टूट कर जड़े थे, र छोटी छोटी बात काल बंदूक का तक अड़ना लो, जब सपने सजा नहीं सको तो उनने क्यों तोड़ो सो, र थमने के बेरा एक गोली तो थम कितनी आंख फोड़ो सो। हिंदू मुसलमान का तो बवाल से, हिंदू मुसलमान का तो बवाल से। और दोस्तों मेरे साथियों, ये तालियां, मैं तालियों का मोहताज नहीं हूं, लेकिन आप लगे कि आपके दिल को झंझकोरा है तो तालियों में कटौती मत किया करो। ताली इतनी बजनी चाहिए कि हमारे उन फौजी भाइयों तक आपकी तालियां जाएं कि हाँ कोई है जो आपका चिंतन करता है, आपका मनन करता है। मेरे दोस्तों, तालियों में कोताही मत बरतना, खुलकर अपने खुशी का इजहार करो और उन शहीदों के प्रति अपने श्रद्धा सुमन चढ़ाओ। के मारी ताई रामपड़ की माई एक का नी बैठी आंसू न खोव थी, घर की देली पर बस फौजी न टोव थी, उसकी सुन्नी आख्या में के सवाल था, सवाल उनते जो घनी दूर सीमा पर लड़े थे, जड़े कई आख्या के सपने टूट कर जड़े थे, र छोटी छोटी बात कल बंदूक का तकड़ नाड़ो, जो सपने सजा नहीं सको तो उनने क्यों तोड़ो सो, थमने के बेरा एक गोली तो थम कितनी आंख फोड़ो सो। हिंदू मुसलमान का तो बवाल से, गौर तो देखो दोनों का खून लाल से, रे एक मान है तो इंसान जड़े सो, बेरा न क्यों बैरी बने सो, रे गोली तो के बेरा कुणसा न मारेगी, रण महो जीत किसे की, एक माँ तो हारेगी। ताऊ बर्थू ना गबड़ की फौजी की गोश्त टोली, खून ते लिखी रामपड़ की अंतिम चिट्ठी खोली, के माँ मने माफी दिए एक काम मैं बिना बुझे करो सो, पूरी जिंदगी में एक काम उसने बिना पूछे करया, कौन सा करया दोस्तों। और अगर उस रामपड़ की बात आप तक पहुंचे उसका काम सुनने के बाद, मैं चाहूंगा इस बड़े भाई को आप पूरा आशीर्वाद दीजिएगा कि माँ मैंने माफी दिए एक काम मैं बिना पूछे करूं सू, और तेरा दूध बचाव न माँ इस माँ पर मैं मरूं सू।
तेरा दूध की लाज मना मा, तेरा दूध की लाज मना मा, पूरी पूरी निभाई है। एक एक गोली माँ मेरी छाती को ऊपर खाई है। झूठ ना बोलू मर्दी आनी थोड़ा सा घबराया था, तेरी गोती माँ की माँ सोवन ने जी चाया था, और तेरा दूध का डंका माँ इस घाटी में बचा है। तेरा छोरा काल बन बैरी का सर पर नाचा से, इतनी बिनती सह माँ, इतनी बिनती सह माँ, इतना प्रण पुगाइए गोती में धरकर सर मेरा माँ। वाय लोरी गाइये के सोजा लाडू आगे जाके काम बतेरा करना से, माँ का दूध बचावन ने तने हिंद पर मरना से, तने हिंद पर मरना से। बहुत बहुत दोस्त, थैंक यू। बहुत खूबसूरत कविता थी। अब मैं बिना किसी विलंब के टीम कोड